अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज दिल पसंद फूड जोन आपके लिए लेकर आया है बहुत ही टेस्टी चिकन शॉशलिक। इट लुक्स सो टेस्टी, सो प्रेजेंटेबल, बहुत ही टेस्टी बना है। आज हम इसकी रेसिपी ट्राई करते हैं। इससे पहले डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन सो यू गेट अपडेटेड विद माय न्यू एंड द लेटेस्ट रेसिपीज। नाउ लेट्स स्टार्ट इट्स रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन शॉशलिक बनाने के लिए हमने सबसे पहले लिया 1 kg चिकन। दिस इज़ बोनलेस चिकन और मैंने इसको क्यूब कट कर लिया है। इसमें हम सबसे पहले ऐड करेंगे सॉल्ट। दिस इज़ 1 teaspoon ऑफ सॉल्ट। फिर हमने इसमें ऐड करना है ब्लैक पेपर। दिस इज़ 1/2 teaspoon ऑफ ब्लैक पेपर। वाइट पेपर 1/2 teaspoon ऑफ वाइट पेपर। 4 to 5 ग्रीन चिलीज, मैंने इसको फाइनली चॉप कर लिए हैं। 1/2 teaspoon ऑफ चिली फ्लेक्स। आप स्पाइसेस वेरी कर सकते हैं अपने टेस्ट के लिहाज से। 1 teaspoon ऑफ शुगर, कि शॉशलिक में थोड़ा सा स्वीट टेस्ट भी आता है। 2 tablespoons ऑफ सोया सॉस। 2 tablespoons ऑफ ऑस्टर सॉस एंड 1 teaspoon ऑफ हॉट सॉस। इसमें हमने 1 lemon का जूस ऐड करना है, लाइक दिस। और इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और फिर हम इसको मैरिनेट करेंगे फॉर एटलीस्ट 1 hour। ये देखिए हमारे स्पाइसेस अच्छे तरीके से मिक्स हो गए। Now I'm going to cover it and marinate it for at least 1 hour. हमारा चिकन देखें बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गया। अब हमने एक पैन में लेना है 3 to 4 tablespoons हमने ऑयल लेना है। अब इसमें मैंने चॉप जिंजर ऐड किए। दिस इज 1 teaspoon ऑफ द चॉप जिंजर। और इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करते हैं इन द लोअर फ्लेम। अभी हमारा गार्लिक जो है गोल्डन ब्राउन हो गया। अब हमने जो मैरिनेटेड चिकन है वो हमने ऐड करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको हमने भूनना है फॉर 4-5 minutes। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चिकन अच्छे तरीके से भुन चुका है। अब एट दिस स्टेज मैंने ये 2 tomatoes लिए बड़े साइज़ के, उसको मैंने ग्राइंड किया है। और हम इसकी प्यूरी को इसमें मिक्स करेंगे और इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे। इस तरह हमारा चिकन थोड़ा सॉफ्ट भी हो जाएगा और गल जाएगा। इट विल टेक 5 more minutes। ये हमारा चिकन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से भुन चुका है और ये अच्छे से टेंडर भी हो चुका है। और एट दिस स्टेज आई एम गोइंग टू ऐड द चिली गार्लिक सॉस। ये आपके ऊपर है, आप प्लेन केचप भी यूज़ कर सकते हैं। स्पाइसी अगर रखना है तो चिली गार्लिक सॉस यूज़ कर लें। ये 5 tablespoons चिली गार्लिक सॉस है। मैंने इसमें थोड़ा सा बिल्कुल 1/4 teaspoon ऑफ सॉल्ट ऐड कर रही हूँ कि टमाटर के साथ थोड़ा सा, कोई स्पाइसेस आप वेरी कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू ऐड 1/2 teaspoon ऑफ द शुगर एज वेल एंड द सोया सॉस 2 tablespoons। अब हम इसको मिक्स करते हैं और हम इसकी वेजिटेबल्स की तरफ चलते हैं। ये अब हमने एक पैन में हमने बटर लिए। आई हैव टेकन द 1 tablespoon ऑफ द बटर, सॉल्टेड बटर। और इसमें मैंने कैप्सिकम डालनी है। कैप्सिकम मैंने 2 medium size लिए हैं और इसको ये क्यूब कट कर लिया है। और इसके साथ ही हमने अनियन भी 2 medium ली है और इसको क्यूब कट कर लिए। और जस्ट हम इसको 2 minutes तक हाई फ्लेम पर करेंगे कि इसमें क्रंचीनेस रहे। हम अपनी वेजिटेबल्स को फ्राई करते हैं। तो ये 2 minutes तक फ्राई किए हैं कि इसमें हल्की सी क्रंची रहे और इसका कलर भी बिल्कुल फ्रेश रहे। अब मैं इसको साइड पे करती हूँ और फिर हम ये ग्रेवी रेडी करते हैं। ये हमारा चिकन बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसमें चिकन स्टॉक ऐड कर रही हूँ। ये मैंने 1 cup चिकन स्टॉक लिए। ये आप पर है, जितनी आपने ग्रेवी रखनी हो आप उतनी स्टॉक ले लें। और इससे बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। अब इसमें हल्का सा बॉईल आता है। नाउ दिस इज़ डन।
अब इन द लास्ट आई एम गोइंग टू ऐड द कॉर्नफ्लावर. मैंने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लिए, उसके थोड़े से पानी में मैंने इसे डिजॉल्व किए और हमें जितना गाढ़ा रखना है उतना कॉर्नफ्लावर ऐड कर रहे हैं. एंड देन विल मिक्स इट कंटिन्यूसली. और ये जब हमने इसमें लास्ट में 2 वेजिटेबल्स फ्राई किए हैं वो हम इसमें ऐड करेंगे लाइक दिस. बहुत ही मज़ेदार इसका टेक्सचर आएगा. वो विल मिक्स इट एंड इसको मैं आपको इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन दिखाती हूँ डिश आउट करके. ये देखें, नाउ आई एम गोइंग टू डिश इट आउट लाइक दिस. दिस लुक्स सो प्रेजेंटेबल, सो टेम्पटिंग, सो टेस्टी. ज़रूर मेरी रेसिपीज़ ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं. Do subscribe my channel and click on the bell icon so you get updated with my new and the latest recipes. Iske saath hi mujhe ijazat dijiye. Allah Hafiz.